भाभी जब भी घर में हलवा बनता है जाने क्यों मुझे शेखर की याद आ जाती। जानकी मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे एक जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी। ये शेयर्स मार्केट में लाने वाला है कौन? लाने वाला नहीं है, लाने वाली है भाभी जी। तो कौन कह रहा है तुम्हें यह रहने को? मैं भी अपने भाइयों के दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहता। जिस घर में से मेरी देवी जैसी माँ को बेइज्जत करके निकाला गया है, मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। रानी मम्मी, ये डैडी ने जो आपके साथ सुलूक किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत कह। उन पर क्या बीत रही है तू नहीं जानता बेटे। तुम्हारे डैडी की जान खतरे में है, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मम्मी कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं बेटे जिन्होंने लॉकर से शेज चोरी किए, बेलजी भाई को लाश देकर इस साजिश में शामिल किया, मुझे घर से निकलवाया और अब तुम्हारे डैडी को मारने की योजना बना रहे। और वे हैं तुम्हारे चाचा दिनेश सुरेश। मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी आपको क्या हो गया है? मम्मी मैं वो क्यों नहीं छुपा रहा हूं? मम्मी मम्मी मैं जाग रहा हूं या मैं सो रहा हूं? तुम जाग रहे हो शेखर, जाग रहे हो। तुम मुझे इसलिए छू नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूं। क्या? हाँ बेटे, तुम्हारे चाचा दिनेश और सुरेश ने तुम्हारी मम्मी को बड़ी बेरहमी से मार डाला और अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी नहीं उसकी आत्मा हूं। आत्मा? मम्मी उन लोगों ने आपको मार डाला जिन लोगों के लिए आपने परसों अपनी नींद गवाई। उन लोगों ने मार डाला आपको जिनको आपने अपनी औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा किया। उन लोगों ने मार डाला आपको जिनके लिए आपने अपनी नींद में सपने में सिर्फ उनके लिए दुआएं मांगी। उन लोगों ने मार डाला आपको। हाँ बेटे, क्योंकि वो जानते थे कि झूठ की बुनियाद पे खड़ा उनकी बेईमानी का महल एक दिन ढह जाएगा, तिनके की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ एक दिन सच्चाई जान जाएगी और अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर उसी घर में वापस जाएगी अपने पति के पास, जिसने गलत फहमी का शिकार होकर अपनी पत्नी को घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। मम्मी अब मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी के हत्यारे इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते वो। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे खत्म कर दिया उसका कोई भी चश्मदीद गवाह भी नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है, बल्कि मेरा कत्ल एक खुदकुशी बनकर रह गया है। इसी तरह से वो तुम्हारे डैडी को और फिर तुम्हें खत्म कर देंगे। नहीं मम्मी, मैं उन्हें इस बात का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं बेटे, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मरकर आत्मा इसीलिए बनी हूं क्योंकि मुझे अपनी मौत का और उस साजिश का उनसे बदला लेना है जो उन्होंने तेरे डैडी और तेरे खिलाफ रची है। मम्मी तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मम्मी बेटे, अगर तुम्हें अपनी माँ के कातिलों से बदला लेना है और अपने डैडी की जान बचानी है तो जो मैं कहती हूँ तुम्हें वो करना होगा, तभी तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मम्मी। हाँ शेखर, अब हमें दुश्मनों को उन्हीं की चाल से मात देना होगी और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी लाश कहाँ है। मम्मी। Yeah!
वाह बेलजी भाई वाह, क्या दिमाग पाया है आपकी मदद से हमारा काम इतना आसान हो गया, ना तो किसी कोई कारवां खबर हुई ना ही कोई शक। बेलजी भाई हम आपको अपना दोस्त समझते हैं और जानकी भाभी को अपना दुश्मन। अरे जानकी बेन की बात छोड़ो, वो तो पहुंच गई इस लोक से परलोक में। बात करने की है तो शेखर की करो, वो अपने बाप से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि अभी कोई जाके उसको कोई बोले ना कि तेरा बाप मर गया है तो वो तो उसके अंतिम दर्शन को भी नहीं जाएगा, बोलो। अरे बिल्ली भाई, भाई साहब के इलाज के लिए डॉक्टर है ना, किसी भी दिन उनकी नफ्स पकड़ कर कहेगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हमारे रास्ते का असली कांटा वो है शेखर। दुनिया में तुम लोग शरीफ और ईमानदार हो ना तो शराफत और ईमानदारी का हथियार की तरह इस्तेमाल करो, और वो भतीजा है ना शेखर, उसको भी पहुंचा दो उसके माँ बाप के पास, तीनों बेचारे इकट्ठे रहेंगे और बाद में जायदाद पे तो तुम दोनों को ही राज करने का है ना। डॉक्टर कहीं तो बोल। बिल्कुल 100% सही कहा आपने बेलजी भाई। बेलजी भाई हम आपको और डॉक्टर साहब को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। दिनेश भाई साचो बोलिया, वो हमारे में कहवाते है याद से आबाद और भूले तो बर्बाद। आप तो शायर भी हो गए हैं। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना बेल जी नाम से मारू बेल जी। नहीं लगता इस घर में, मैं आपको कहाँ ढूंढूं? बड़ी माँ आप कहाँ थी? बड़ी माँ आप नहीं थी तो मैं कितना उदास था, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता था बेटे, इसीलिए तो आ गई हूँ। बेटे तुम्हारे पापा और चाचा कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हैं, लेकिन मम्मी और आंटी है ना, वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझे देखकर बहुत खुश होंगी? हाँ, आप चलिए मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। मम्मी आंटी। क्या बात है बंटी? आपको बताए कौन आया है? कौन आया बेटा? बड़ी माँ आई है। बड़ी माँ? हाँ वो देखिए। नहीं है, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। बड़ी माँ आइए। बड़ी माँ क्या बात है अनीता? जया मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं तुम्हारी दीदी जानकी। बड़ी माँ आप कहाँ चली गई? बड़ी माँ बंटी
क्या हुआ बेटा? पापा भी बड़ी माँ आई थी। बड़ी माँ? क्या? हाँ पापा, मम्मी और आंटी दोनों बड़ी माँ को देखकर बेहोश हो गई। अरे ओ नो, जया, अनीता, जया, अनीता, जया, अनीता उठो, उठो। क्या हुआ? वो यहाँ आई थी। वो कौन? अरे कौन आई थी? दीदी, जानकी दीदी यहाँ आई थी। वो यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, तुम लोगों को जरूर कोई धोखा हुआ है। जानकी भाभी और यहाँ? नहीं, धोखा कैसे हो सकता है? आपका बेटा खुद उन्हें यहाँ लेके आया था। हाँ, वो हमारी तरफ बढ़ रही थी, हम दोनों घबरा के बेहोश हो गए। अपने होश ठिकाने रखो। लेकिन अगर वो यहाँ आई थी तो गई कहाँ? वो जादू से गायब होके उड़ गई थी। बंटी तू जा बेटे, तुम लोग अपने होश काबू में रखो, तुम्हारी वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने बेहोश होने का मतलब समझती हो? हाँ? अरे तुम लोग दुनिया को यह बताना चाहती हो कि जानकी भाभी इस दुनिया में नहीं है और यहाँ उसकी आत्मा आई थी? अगर लोगों के बीच ये बात फैल गई तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तुम लोग अपने दिल से यह वहम निकाल दो और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, समझ गई? और ये बेवकूफी दोबारा ना होने पाए। चल दिनेश। हाँ। क्या बात है डॉक्टर? हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मैं आपको इंजेक्शन लगाने जा रहा था तो ये इंजेक्शन मेरे हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गया। कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा इंजेक्शन तो होगा? नहीं, वो मुझे लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ले आइए। क्या हुआ भैया? भैया इस कमरे से किसी की चीखने की आवाज आई थी। नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब के हाथ से इंजेक्शन गिर गया था इसलिए वो चीख पड़े। क्या? मैं अभी दूसरा इंजेक्शन लेके आता हूं। भैया आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भैया अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हम जाके भाभी को वापस लेकर आते हैं। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आप भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तुम लोग भी जाओ, जाओ तुम लोग भी, मुझे मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा भैया,
जाओ। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे, कोई नहीं चाहिए मुझे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूं शेखर, उससे इतना प्यार करने वाले, मुझ पर इतना विश्वास करने वाले तुम्हारे डैडी इतना बदल जाएंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे एक बार भी ढूंढने या बुलाने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए प्यार के बदले इतनी नफरत पैदा हो गई है उनके दिल में कि वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अफसोस की बात तो यह है कि उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, और मुझे पूरा यकीन है बेटे कि वो डॉक्टर दवा के नाम पर तुम्हारे डैडी को जहर के इंजेक्शन दे रहा है। क्या? तो मम्मी, मुझे कुछ करना होगा, बहुत जल्द कुछ करना होगा। नहीं बेटे, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। हर वक्त नजर रखनी होगी उन सब पर। लेकिन मम्मी, डैडी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बेटे, दुश्मनों की चाल ने गलत फहमियों की धुंध को इतना बढ़ा दिया है कि उन्हें सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। एनी मैसेजेस? नो सर। थैंक यू। आई डोंट वांट एनीबडीज हेल्प। आप लोग अपना काम करिए। आई एम ऑल राइट। ठीक है सर, जाइए। हटो हटो, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से, जल्दी जाओ भाई साहब। भाई साहब, जानकी भाभी, आप कहां थी इतने दिनों तक? आप मेरे बचपन के दोस्त का एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाधवा साहब, आप नेक शरीफ और ईमानदार इंसान तो हैं ही, साथ ही हमारे परिवार के एक करीबी दोस्त भी हैं। आप मुझे भी तो अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने अपने देवरों के 60 लाख के शेयर चोरी से बाजार में बेच डाले? नहीं 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 भाभी, इस बात को मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन हकीकत। आप ठीक कह रहे हैं, हकीकत। इस हकीकत का पता लगाने के लिए ही तो मैंने घर छोड़ा है। वाधवा साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं किसी साजिश का शिकार हुई हूं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? साजिश? किसने की है आपके खिलाफ साजिश? जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है वो मेरे अपने भी हैं और पराए भी। बादवा साहब, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, मैंने घर छोड़ दिया। मुझ पर ज्यादती हुई ये जानकर मेरे बेटे ने भी घर छोड़ दिया। मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, और अब जो सबसे बड़ी तबाही होने वाली है वो है मेरे पति की। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बादवा साहब, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई कि तीन भाइयों के परिवार में से
सिर्फ एक भाई के परिवार को ही निशाना बनाया गया है। यह तो सचमुच सोचने की बात है। अब मेरी समझ में कुछ आ रहा है। वैसे इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं? मेरे देवर दिनेश और सुरेश। क्या? दिनेश और सुरेश? हाँ, और सबसे ज्यादा नुकसान मुझे पहुंचाया है वेलजी भाई ने। वेलजी भाई? हाँ, सबसे पहले वेलजी भाई ने मुझे वो शेयर्स वाली बात बताई थी, और वो बात अगर रघुवीर को पहले न बताकर आपको बताता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। बिल्कुल सच कहा है आपने वाधवा साहब, ये सारी साजिश का प्लान उसी का बनाया हुआ है। मेरे पति अपनी पत्नी और अपने बेटे की सूरत तक नहीं देखना चाहते, और इसी बात का फायदा उठाकर उनके दोनों भाई डॉक्टर सराफ की मदद से उन्हें स्लो पॉइजन दे रहे हैं, दवा के नाम पर जहर। क्या? हाँ वधवा साहब, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं अपने दोस्त का घर और उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। कहिए भाभी, आप मुझसे कैसी मदद चाहती हैं? आपको वेलजी भाई और डॉक्टर सराफ पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, और मेरे पति और बेटे की जान बचाने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। वाधवा साहब, मेरे दोनों देवरों ने मिलकर मुझे मार डाला, अब मैं जिंदा नहीं रही। अब जो आपके सामने है वो मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है। आत्मा? वेलजी भाई, मुझे मेरा हिस्सा जल्दी से दिला दीजिए। शांति रख, जब तक तेरा काम खत्म नहीं होता है ना, मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दे सकता। पर एक बात बता, तेरे को हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है वेलजी भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल विश्वास है, लेकिन इन आंखों ने जो देखा है ना, उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या देखा है तेरी आंखों ने भाई? वेलजी भाई, रघुवीर के कमरे में। ए डॉक्टर, आगे बोलना, रघुवीर के कमरे में क्या? रघुवीर के कमरे में मैंने जानकी को देखा है। ए डॉक्टर, तू पागल तो नहीं हो गया है ना? तुझे मालूम है ना जानकी मर गई है? मैं जानता हूँ, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर, मुझे लगता है कि जिंदगी में तू पहली बार खतरनाक खेल खेल रहा है ना, इसलिए डर गया है। और आदमी जब डर जाता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और जानकी का दिखना बहुत सारे विचारों में से एक विचार है। शांति रख, पी 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 पी। वेलजी भाई, जो मैंने देखा है ना, तुम भी देख लेते तो तुम भी डर जाते। ए डॉक्टर, मेरे पास डरने बनने की बात नहीं करने की। वेलजी नाम से मारू सो वेलजी। ए डॉक्टर, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे नहीं मालूम। तो वेलजी भाई नाम है तुम्हारा? रुपए के लालच में उस घर की जो तूने बर्बादी करनी थी कर दी, इसके आगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो भी करना है मैं करूंगी। हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो। हम आपके मुजरिम हैं, हम आपके गुनहगार हैं जानकी बहन, हमको माफ कर दो। मैं तुम दोनों को माफ भी कर दूंगी अगर तुम मेरे प्राण वापस लाकर दे सको तो। अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जिंदगी ले कैसे सकते हो? तुम दोनों मुजरिम हो, गुनहगार हो, कहो अपनी जबान से। हाँ, हम दोनों मुजरिम हैं, हम दोनों गुनहगार, पर बेन हमको माफ कर दो। वाधवा साहब, इन दोनों को अब मैं आपके हवाले करती हूं वाधवा साहब।
दिनेश, सुरेश, मुझे कल के हादसे का बहुत अफसोस है। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। भैया, इस हालत में भी आपको हमारे परेशानी की फिक्र है? क्यों नहीं होगी, आखिर आप इनके भाई हैं। शेखर, शेखर आओ बेटा आओ। अच्छा हुआ बेटा तुम वापस आ गए। नहीं, मैं वापस नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ डैडी की बीमारी की खबर सुनकर उन्हें देखने के लिए आया हूं। शुक्र है कि तू मेरी मौत की खबर सुनकर वापस नहीं आया। नहीं डैडी, मैं तो बल्कि आपको आपके सर पे मंडराते मौत के खतरे से सावधान करने आया हूं। मेरे सर पर मौत का खतरा? जी डैडी। क्या मैं जान सकता हूं कि यह खतरा किससे है मुझे? वही जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तुम नाम बताओ उसका। अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? अगर तुम्हें अपने डैडी की जान की इतनी ही परवाह है तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाते वापस? मैं आऊंगा डैडी, जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? डैडी, आपको मेरी मम्मी पे लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। ये यानी मैं सच को झूठ मान लूं? नहीं डैडी, आपको झूठ को झूठ मानना होगा। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए भेजा है यहाँ? अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मम्मी भी यही चाहती है तो? मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें? नहीं डैडी, मेरी मम्मी में बहुत हिम्मत है, वो जरूर आएंगी, और जिस दिन वो आएंगी उस दिन फैसले की घड़ी होगी, फैसले की घड़ी। शेखर, शेखर, बेटा शेखर, जाने दो उसे। दिनेश, सुरेश, कल एक वकील को बुलाओ। वकील? वो किस लिए? डरो नहीं, मैं किसी का हक मारने नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी तुम दोनों के नाम लिखना चाहता हूं। लेकिन भैया इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो कह रहा हूं, जो कहता हूं वो करो, जाओ। शेखर बेटे, यह खतरनाक खेल की आखिरी बाजी है, यह बाजी सबकी किस्मत का फैसला करेगी। दुश्मनों ने हमें मात देने के लिए अपने मोहरे सजा दिए हैं। तो मम्मी, हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत नाजुक घड़ी है बेटे, हमें बहुत सोच समझ कर चाल चलनी होगी। अगर तुम्हारे डैडी ने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दी तो बाजी उलट सकती है, फिर वो उन्हें मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हें भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं जिंदगी की बाजी तो हार चुकी हूं लेकिन ये बाजी नहीं हारूंगी, क्योंकि एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ औलाद। अब ये जंग एक पत्नी भी लड़ेगी और एक मां भी। रघुवीर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा तैयार कर दिया है, अब आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। वकील साहब, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, पेन लाइए, मैं दस्तखत कर देता हूं। ठहरिए। शेखर, तुम? आप फिर क्यों आए हो यहां? डैडी, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन नहीं करेंगे। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? डैडी, मैं आपका बेटा हूं। बेटा? मैं उस रिश्ते को भूल गया हूं, मेरा ना कोई बेटा है और ना पत्नी। अब मेरे लिए जो भी है मेरे वो दो भाई और उनका परिवार है, बस, और कोई नहीं है। मेरा भाई नहीं है ये लोग, ये लोग कसाई है, आपकी जान के दुश्मन है डैडी। यही लोग हैं जिन्होंने शेयर्स बेचे,
और झूठा इल्जाम लगा के मेरी माँ को इस घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी ये घर अपनी माँ के लिए छोड़ा है। डैडी, आज अगर आपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किए तो ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। क्या कहा तूने? क्या कहा? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी मां बड़े गुस्से में निकली थी इस घर से, ये कहके कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके इस घर में वापस आएगी, और तुम निकले थे अपनी मां को ढूंढने। तेरी मां तो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी, अब तुम मेरे भाइयों पर इल्जाम लगा रहे हो कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। डैडी, ये सच है, इसका सबूत है मेरे पास। कहां है सबूत? सबूत है मेरे पास। आइए। वाधवा, तुम? हाँ रघुवीर, चलो। हाँ रघुवीर, शेखर सच कह रहा है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है तुम्हारे परिवार के खिलाफ, जिसमें तुम्हारे ये दोनों भाई दिनेश और सुरेश शामिल है। वाधवा, ये क्या कह रहे हो तुम? और उनका साथ दे रहे हैं ये वेलजी भाई और ये डॉक्टर सराफ। क्यों वेलजी भाई, सच है या नहीं? हाँ वाधवा भाई, सच कह रहे हैं। और ये भी सच है कि इन्हीं लोगों के कहने पर ये डॉक्टर सराफ तुम्हें दवा के नाम पर जहर के इंजेक्शंस देता रहा। डॉक्टर, ये सच है या नहीं? हाँ ये सच है। अगर ये सच है तो जानकी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? डैडी, मम्मी अब जिंदा नहीं है। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ डैडी, घर से चले जाने के बाद इन दोनों ने बेरहमी से मेरी मम्मी का कत्ल कर दिया। क्या? नहीं भैया, ये झूठ है, झूठ है। भैया भैया, शेखर झूठ बोल रहा है, ये सब लोग मिले हुए हैं। नहीं, ये सच है। नहीं भैया, मैं कसम खा के बोलता हूँ भैया। भैया भैया, हमने कभी आपसे झूठ बोला है? डैडी, ये सच है। नहीं भैया। जानकी बहन, भाभी, खोलो 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 दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। यहां से अब कोई भाग कर नहीं जा सकता। दुनिया की अदालत से तो तुम बच निकले, लेकिन ये जानकी की अदालत है और इस अदालत से कोई मुजरिम बच नहीं सकता। बताओ, तुम दोनों के शेयर मैंने चोरी किए थे? नहीं भाभी, वो चोरी हमने की थी। हाँ हाँ भाभी, चोरी हमने की थी और इल्जाम आप पे लगा दिया था। मेरी मौत कैसे हुई? बताओ, मेरी मौत कैसे हुई? बताता हूँ बताता हूँ। उस दिन जब आप गुस्से से निकलकर घर से गए थे तो हम दोनों आपके पीछे पीछे आए थे। वहां पे आप मिली और फिर तुम दोनों हाँ भाभी, तुम दोनों मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो इल्जाम मेरे सर से हट नहीं जाता। लेकिन अगर वो इल्जाम आपके सर से हट गया तो हम मुजरिम बन जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी, ये खेल हमारा ही रचाया हुआ है। हम आपको यहाँ लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने आए हैं।
यानी कि तुम दोनों मुझे मार डालोगे? मजबूरी है भाभी, अगर आपको हम जिंदा छोड़ देंगे तो आप हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएंगे और ऐसी गलती हम कतई नहीं करेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी हमारे प्यार में? तुम दोनों छोटे छोटे थे जब तुम्हारे माँ बाप चल बसे। ये क्या हमारा कसूर था कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया और कारोबार में बराबर का हिस्सा दिया? फिर ऐसा क्या था कि तुम हमारे दुश्मन हो गए? पैसा चाहिए था, वो भी तो सब तुम्हारा ही था, पूछने की भी जरूरत नहीं थी। फिर ऐसा क्या लालच था जिसकी खातिर माँ जैसी भाभी को जान से मार डाला और बाप जैसे भाई को जहर के इंजेक्शन दे देकर मारने लगे और बेटे जैसे भतीजे को भी मारने के मंसूबे बना बैठे? हमें माफ कर दो भाभी। हाँ भाभी, माफ कर दो। नहीं, तुम्हारा जुर्म, तुम्हारा गुनाह मुआफी के काबिल नहीं है। और तुम औरत होकर भी इनकी खूनी साजिश में शामिल हुए? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखा था ना इस घर में? हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके गुनहगार हैं। हमारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था, अंधे हो गए थे हम। बेल जी, इस सारे फसाद की जड़ तू है और इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार भी तू है। जानकी बेन, मने माफ करो बेन। नहीं, कभी नहीं। और डॉक्टर सराफ, तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। तुम सब के सब मुजरिम हो और तुम्हें अब सजा से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सबसे अपनी मौत का और अपने पति और बेटे पर किए गए अत्याचारों का बदला लूंगी। जानकी भाभी, आप इन्हें माफ कर दो। बड़ी माँ, इन्हें माफ कर दो। बड़ी माँ, जानकी, जानकी माफ कर दो इन लोगों को, माफ कर दो इन लोगों को, क्योंकि माफी से बड़ी कोई सजा नहीं है। हाँ बड़ी माँ, प्लीज इन्हें माफ कर दो। थैंक यू बड़ी माँ। भाभी, भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, भाभी हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, हमें भी माफ कर दो। भाभी प्लीज, भाभी आपको बंटी का वास्ता। ठीक है, मैंने तुम सबको माफ किया। जानकी, जानकी मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, जानकी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किससे मदद लेती है? प्रश्न एक बार फिर, जानकी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किससे मदद लेती है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 3 अगस्त तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय
अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के दो विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा डाबर हाजमोला स्वाद मस्त हाजमा जबरदस्त और डाबर लाल दंत मंजन ज्योति जड़ से मजबूत दांत की तरफ से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। हमारा पता है आप बीती प्रतियोगिता रीजनेबल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड पोस्ट बॉक्स नंबर 6010 नई दिल्ली 110008 हमारी वेबसाइट www.brfilmsindia.com। विजेताओं का नाम जानने के लिए हमारा 31वां एपिसोड देखना ना भूलिए।